बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से। तो वो कहा कि आपके भी दो मंत्री बनेंगे, और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राजसभा भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। जब से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की राहें अलग हुई हैं, उसके बाद से दोनों दलों और दोनों नेताओं के बीच खटास भी पैदा होने लगी है। खटास पैदा हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव के समय जो दोनों दलों के बीच दूरियां पैदा हुई हैं, वैसे दोस्ती और दुश्मनी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है। कब कौन किसके साथ चला जाए और कब कौन वापस आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी राजनीति में अपना स्वार्थ सबसे ऊपर होता है, यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले दल मौका पड़ने पर दुश्मनी भुलाकर साथ आ जाते हैं। ये बात जयंत चौधरी और नीतीश कुमार पर फिट बैठती है। कोई कहता था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, तो किसी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा, लेकिन ये दोनों नेता अपनी बात पर खरे नहीं उतरे और अपने स्वार्थ के लिए पलट गए। बहरहाल आते हैं मुद्दे पर। दरअसल जयंत चौधरी का गढ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पश्चिम की कुछ सीटों पर आरएलडी मजबूत स्थिति में है। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने इशारों में जयंत चौधरी को खूब लपेटा और उनके मजे भी लिए, और साथ ही उन्होंने राजा भैया को लेकर भी बड़ी बात कही है। जी, इस वक्त अखिलेश यादव और राजा भैया सुर्खियों में। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव राजा भैया लोकसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सबसे वादा किया है मंत्री बनाने का। उन्होंने कहा कि एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से, उनसे कहा कि आपके भी दो मंत्री बनेंगे। पुराने दल से बीजेपी ने कहा कि आपको भी राज्यसभा भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। वही अखिलेश यादव ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया है कि एक प्रदेश में और एक दिल्ली में आपका मंत्री बनेगा। तो अखिलेश यादव का ये बयान ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी पर इशारा कर रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने बिना किसी दल और बिना किसी नेता का नाम लिए ये तंज कसा है कि बीजेपी तो सबसे वादा कर रही है मंत्री बनाने के लिए। जी हां, वही अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन में जितने दल हैं बीजेपी ने उन सभी से वादा किया है कि सभी के दो दो मंत्री बनेंगे। जो मंत्री नहीं बनेंगे वो बीजेपी से नाराज होंगे, फिर समाजवादी पार्टी उन सभी दलों का साथ लेगी। वह राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको साथ आना है उन सभी का स्वागत है। वही अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन और विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली सरकार अमृतकाल कहती है तो किसान क्यों दुखी है, क्यों धरना दे रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली क्यों जा रहा है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया लेकिन किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। वैसे ये बात तो सही है कि बीजेपी किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो देती है लेकिन किसानों को उनका हक देने में पीछे हट रही है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए ही भारत रत्न दे रही है। वही अखिलेश यादव ने गठबंधन से रालोद के अलग होने और कांग्रेस को 17 सीटें देने के सवाल पर कहा कि हमने 7 सीटें दी लेकिन भाजपा से सिर्फ 2 मिली हैं। कोई प्रत्याशी थोपा नहीं गया, सूची उन्होंने दी थी। मुजफ्फरनगर से रालोद अध्यक्ष के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने की इच्छा जताता तो हरेंद्र मलिक भी दावेदारी से हटने को तैयार है। कांग्रेस को 17 सीटें देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रालोद ने अपनी सीटें छोड़ दी तो वह किसी को तो देनी ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के जितने भी सहयोगी दल हैं चाहे निषाद पार्टी हो या कोई दूसरा, सबको दो मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया है। एक नया दल भाजपा के साथ जुड़ा है उसे एक प्रदेश में और एक केंद्र में मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। उनका इशारा साफ जयंत चौधरी पर था। क्या कुछ कहा अखिलेश ने आपको सुनाते हैं। जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से। तो वो कहा कि आपके भी दो मंत्री बनेंगे, और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राजसभा भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर तो ये सब चीजें सामने हैं आपके। तो फिर बीजेपी राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होगा जो हमारे किसान और हमारे दुख को समझता होगा। राष्ट्रवादी भाषण से नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आप भारत माता की जय बोलेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब किसान को आप उसका हक देंगे, नौजवान को नौकरी दोगे,
तभी तो कहा ना जय जवान जय किसान। अगर जय जवान जय किसान का महत्व नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। देखिए ये इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी है और कई बैठकों में और कई मौकों पर आप जो सवाल पूछ रहे हो पूछे जा चुके हैं, उस पे अब आगे कोई बात नहीं होगी। चंद्रशेखर अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। कह तो दिया तुमने, सुना नहीं। जितने गठबंधन दल है उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके दो दो मंत्री बनेंगे। आप बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सर? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे, उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी वोट और आगे पहुंच जाए। जाएंगे हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। और ये लेट चलता है क्यों? व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं देखते हो? पीडीए में है, पीडीए की मदद करेंगी वो। ये लेट चलता है। अच्छा आपने आपने धन्यवाद दिया हमें जब हमने पहले ज्यादा भेजे थे। अरे धन्यवाद नहीं देते हो बताओ हमें। इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि कौन कितना समाज में है। कम से कम उन्हें हम संविधान के तहत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल रहा है। आदिवासी हैं उन्हें भी हक और सम्मान आबादी के हिसाब से मिल रहा है। तो जब विशेष अधिकार की बात हो तो मैं समझता हूँ हर समाज के लोग चाहते हैं कि जाति झंडा हो जिससे उन्हें मौका मिल सके, बराबर का अधिकार मिल सके। अरे कोई वापस आएगा हम ले लेंगे। नहीं, मेरी बातचीत हुई लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन दो बड़ा के साथ बड़ा।